बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी, लेकिन इस मौके पर यूपी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वाराणसी में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के दौरे के दौरान जिला प्रशासन कितना सतर्क रहा, इसकी बानगी एयरपोर्ट रोड स्थित एक होटल में देखने को मिली। जिस वक्त हॉल में स्मृति ईरानी कथक डांसर सोनी चौरसिया को सम्मानित कर रही थी, उसी समय हॉल के ठीक पीछे बने स्विमिंग पूल में एक यूनिवर्सिटी के छात्र जमकर बियर पीकर मस्ती कर रहे थे। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने भीमराव अंबेडकर जयंती के मद्देनजर कल सभी शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया था। वहीं इस मामले में जब होटल के मालिक और बीजेपी के जिला कोषाध्यक्ष अजय से बात की गई तो पहले उन्होंने किसी भी छात्र के वहां होने से ही इनकार कर दिया, लेकिन बाद में वो मीडिया पर ही भड़क उठे। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का कीर्तिमान हासिल किए सुनील चौरसिया जी, उनका स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था, अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया बेटी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ संस्था की तरफ से। लेकिन यहाँ पे और भी स्कूलों के भी छात्र आए थे? नहीं, कोई छात्र नहीं आए थे। ये कार्यक्रम जो है ये बाहर हॉल में हुआ है, आपके यहाँ जो स्विमिंग पूल है जी हॉल के ठीक पीछे जो है जी। हाँ। देखिए ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं, व्यावसायिक संस्थान है। अच्छा, यहाँ पे कोई इस प्रकार का चीज़ें नहीं है, ये व्यावसायिक संस्थान है, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग समझते हैं। तो क्या लगता है ये उचित है कि एक तरफ मानो युवा युवतियाँ मिलकर वहाँ बियर पी रहे हैं और एक ही जगह पे दूसरी तरफ कोई बियर नहीं पी रहा था, कोई ऐसी बात नहीं है हम लोग के पास। कोई पिया होगा, सड़क का चीज है, सड़क में कोई पिया होगा, इसके लिए मैंने नहीं, आपके परिसर के अंदर पिया है, स्विमिंग पूल में पिया है, पूरा विजुअल है, हमको जानकारी नहीं है इस विषय में। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की इजाजत किसने दी, और ये देखिए जरा ये बीजेपी के कोषाध्यक्ष और क्या कुछ ये बता रहे हैं, कह रहे हैं वहां ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, साफ तौर पे इनकार कर रहे हैं, तस्वीरों से सब कुछ साफ होता है, और उसके बाद भी ये स्थितियां हैं कि इनकार किया जा रहा है साफ तौर पे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कार्रवाई से बचा जा रहा है या अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा रहा है। अमित हमारे साथ है, अमित ये बताइए ये सब कैसे होता रहा, क्या वहां पर किसी की नजर नहीं थी, रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई, और अब क्या कुछ किया जा रहा है इस मामले में? देखिए इस मामले में अभी अभी जो जानकारी मिली है, एसएसपी वाराणसी ने सीईओ बड़ागांव को इसकी जांच सौंप दी है और जांच रिपोर्ट 3 दिन के अंदर एसएसपी को सौंप दी जाएगी। बड़ा सवाल यही है श्वेता, कल ड्राई डे था, अंबेडकर जयंती थी, केंद्रीय मंत्री एचआरडी मिनिस्टर का कल महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, उसके ठीक बगल में करीब 100 के आसपास छात्र छात्राएं बिल्कुल स्विमिंग पूल में सारे लाज लिहाज को दरकिनार करते हुए, और उन्होंने बियर पिया, उन्होंने एल्कोहल का सेवन किया, और ये सब कुछ अधिकारियों के सामने होता रहा। चूँकि जब एचआरडी मिनिस्टर वहाँ से रवाना हो गए दिल्ली के लिए तो कई पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी उसी बार में जाकर उन्होंने खाना भी खाया, तो उनको पूरी जानकारी है, एसएसपी ने फिलहाल जांच सौंप दी है। बीएचयू की तरफ से हमने जब उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो बीएचयू ने पूरे तौर पर अभी अनभिज्ञता जाहिर की है, उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जानकारी हमको मिली है, हम इसके बारे में जांच करेंगे, लेकिन अभी तक वो यही कह रहे हैं है। लेकिन जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो वहां पर गए तो ये कहें क्या जानबूझकर आग बंद करके बैठे रहे अधिकारी? लेकिन निश्चित रूप से खुद सीईओ मौजूद थे, कई पुलिस के अधिकारी वहाँ मौजूद थे, प्रशासन से जुड़े हुए लोग थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो मूवमेंट प्रधानमंत्री जी का उससे जुड़े हुए लोग वहाँ मौजूद थे, और सबकी जानकारी में ये बात है। लेकिन चूंकि जब मामला सामने आ गया तो सभी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एसएसपी ने चूंकि उनके भी संज्ञान में जैसे ये मामला पहुँचा और एचआरडी मिनिस्टर से जुड़ा हुआ मामला है, उन्होंने तुरंत जाँच सौंप दी है, तो 3 दिन के अंदर उन्होंने रिपोर्ट मांग ली है, लेकिन कुल मिला के प्रशासन अब इस पर लीपापोती करने की कोशिश है। क्योंकि जब वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में अंबेडकर जयंती जैसे अवसर पर अगर सार्वजनिक जगहों पर ऐसे अगर अल्कोहल का सेवन किया जाएगा, एचआरडी मिनिस्टर का कार्यक्रम एक तरफ चल रहा हो और दूसरी तरफ बीएचयू आईटी के छात्र छात्राएं जो एचआरडी मिनिस्टर के ही अंतर्गत आता है उसके छात्र छात्राएं भी जब इस चीज का कार्यक्रम चल रहा है, दूसरी तरफ ये सब कुछ हो रहा है, अधिकारी जो आग पर हाथ धरे बैठे।